हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जो मदद करेगी हर एक पैरालिसिस के पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कुछ टिप्स के बारे में जो बहुत हेल्पफुल साबित होगी हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या देखने को मिलती है जब भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, कुछ समय के बाद वो अपनी उम्मीद छोड़ देता है कि मैं दोबारा ठीक हो भी पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। उसके घर वाले भी पेशेंट के साथ साथ सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक छोटी सी छोटी एक्टिविटी के लिए जो हमारा पेशेंट होता है वो घर वालों पर डिपेंडेंट हो जाता है। चाहे उसको पानी पीना है, वॉशरूम तक ही जाना है, वो टोटली डिपेंडेंट होता चला जाता है। जब पहले पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होता है, नॉर्मल होता है, तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ खुद से कर रहा होता है, बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा होता है। अब सडनली जब उसको स्ट्रोक आता है, अचानक से ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ, चाहे वो क्लॉट की वजह से था या हेमरेज की वजह से था, किसी हेड इंजरी की वजह से था, तो अचानक से क्या होता है, ब्रेन का कुछ हिस्सा जहाँ पे क्लॉट आया या हेमरेज हुआ वो हिस्सा अब काम नहीं कर पाता, कम्प्लीटली वो पोर्शन डेड हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी को स्ट्रोक होता है, या तो क्लॉट की वजह से होता है या हेमरेज की वजह से होता है, तो उस एरिया के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो जाते हैं। अब ब्रेन का वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड रहता है, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है रीजनरेट होने की। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो पेशेंट की बॉडी के फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ लॉस आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कुछ हिस्से में क्लॉट आया या हेमरेज हुआ, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आपका हाथ या पैर या फेशियल मूवमेंट्स उसमें लॉस देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन पे जो इम्पैक्ट आया है, जो नुकसान हुआ है वो कितना है, कौन से एरिया पे है और उसका इम्पैक्ट कितना लंबा टाइम रहा है। उस पर डिपेंडेंट होता है कि पेशेंट का कौन सा बॉडी का हिस्सा अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है, चाहे उसकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हो सकती है या राइट साइड भी हो सकती है। अगर किसी को स्पाइनल इंजरी हुआ है, कमर पे कोई चोट लगी है, तो कमर के नीचे का हिस्सा सुन हो जाता है, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं होती है और ये कंडीशन आगे चलकर वर्सन अप होती चली जाती है। अब जो पेशेंट पहले बिल्कुल एक्टिव था, अचानक से जब उसे स्ट्रोक होता है और वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है हर एक छोटे काम करने के लिए अपने घर वालों पे या किसी भी केयर टेकर पे, इस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करने लगता है, इरिटेबल होने लगता है, क्योंकि हर एक छोटे काम के लिए अब वो दूसरे जन पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो सबसे पहली जो टिप है मेरे पेशेंट्स के लिए, उनके केयर टेकर्स के लिए, वो है आपको कभी भी होप नहीं छोड़नी है। चाहे आपका पैरालिसिस कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे कितने साल बीत क्यों ना गए हों, वो बीमारी ठीक हो सकती है। उसके लिए लगातार आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करने होते हैं, क्योंकि साईं संजीवनी में हर साल हज़ारों पेशेंट्स आते हैं जिनकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। अब वो रिकवरी किस तरीके से हो पाती है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो नुकसान था वो ब्रेन के अंदर था। अब जब भी क्लॉट आया, हेमरेज हुआ, आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा अब दोबारा से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हमें जो ट्रीटमेंट देना होता है वो ब्रेन के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। क्योंकि जो ये बीमारी है, पैरालिसिस एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन का कुछ हिस्सा फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब ब्रेन का जो हिस्सा फंक्शन नहीं कर पा रहा है वो जो भी काम संभालता था पहले, चाहे आपके हाथ पैर की मूवमेंट हो, आपका चलना फिरना हो, आपकी स्पीच है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटर इफेक्ट हुआ है आपका ब्रेन के अंदर, उसके हिसाब से आपके फंक्शनिंग में लॉस आता है। तो अब जिस भी एरिया पे नुकसान हुआ है उसके हिसाब से फंक्शनिंग में जैसे ही लॉस आता है तो पेशेंट के हाथ पांव की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। अब जानने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ये बीमारी आपके मसल्स की बीमारी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अक्सर गलती क्या की जाती है, जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक होता है उसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट करके डॉक्टर्स उसे बता देते हैं कि अब आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, रिहैबिलिटेशन करवानी है, उसी से धीरे धीरे करके आपको आराम महसूस होगा। अब इनिशियल जो कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम पे पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तेज़ी से आती है, और कुछ टाइम जब बीत जाता है तो वो रिकवरी वहीं पर रुक जाती है। अब ये रिकवरी क्यों रुक जाती है इसको समझना ज़रूरी है। इनिशियली जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो बॉडी खुद से कोशिश करती है रिकवर करने की, खुद से न्यूरोप्लास्टिसिटी करवाने की कोशिश कर रही होती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? आपके ब्रेन का अगर कोई हिस्सा डेड हो चुका है तो वो दोबारा फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ब्रेन के पास कैपेबिलिटी होती है
बाकी जो हेल्दी ब्रेन है अब वो फंक्शनिंग संभाल लेता है उस हिस्से की जो अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है, और जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में दोबारा से कनेक्शंस बनाना शुरू करता है, स्टिमुलेशन देना शुरू करता है कि दोबारा से वो फंक्शनिंग जो लॉस हो चुकी है उसको संभालने लगे। तो ये काम इनिशियली कुछ महीनों में बॉडी खुद से ही कोशिश कर रही होती है, चाहे आप कोई मेडिसिन नहीं भी खा रहे हो तो भी आपको रिकवरी आ रही होती है। तो पेशेंट को क्या लगता है कि मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ठीक हो रहा हूँ, वो कुछ हद तक मदद करती है कि आपके मसल्स में स्टिफनेस ना आए, अकड़न ना बने, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि परेशानी आपके ब्रेन के अंदर है ना कि आपके मसल्स के अंदर। जब आप बिल्कुल ठीक थे तो आपका जो हाथ पैर थे या बोलने की कैपेसिटी थी वो सब कुछ ठीक थी, अब अचानक से जब आपके ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ तब जाके आपके मसल्स पे इफ़ेक्ट आया और मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पा रही। अब जब ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ था, जो हिस्सा डेड हो गया है वहाँ से कंडक्टेंस नहीं आ पा रही है, वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है हाथ पैर को चलाने का या कोई भी मूवमेंट करने का, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर मूवमेंट का लॉस देखने को मिल जाता है। अब ब्रेन के पास कैपेबिलिटी होती है दोबारा से अपनी फंक्शनिंग संभालने की, वो आप कैसे करवा सकते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमेना है जो मदद करता है। अब इनिशियल के कुछ महीनों में खुद से बॉडी कोशिश कर रही होती है, पेशेंट में रिकवरी भी आ रही होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट को पैरालिसिस हुए 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर खुद से ही स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब ज़रूरत होती है स्टिमुलेशन की, उसको सपोर्ट देने की। तो जब भी साईं संजीवनी में पेशेंट आता है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि किस वजह से उसको दिक्कत हुई थी, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई बीपी की वजह से, या शुगर की वजह से कोई क्लॉट आया है या हेमरेज हुआ है, क्या हुआ है, उसका MRI CT स्कैन की रिपोर्ट देखी जाती है, उसके बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिंस दी जाती हैं जो मदद करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से शुरू करवाने में, उसको स्पीड देने में। अब जब न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से स्टार्ट होती है तो पेशेंट के अंदर ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाती है। यही सारा काम किया जाता है साईं संजीवनी के अंदर। अब हम चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। ब्रेन से वही काम करवाना है जो इन फ्यूचर उसे करना सिखाना है, तो हमें बार बार रेपिटेशन करनी पड़ती है उन चीज़ों की जिसके लिए हमें ब्रेन को ट्रेन करना है। मान लीजिए आपकी हाथ की मूवमेंट में लॉस हो चुका है, कुछ कुछ चीज़ें आप ग्रास्प कर पा रहे हो और पेन को अब थोड़ा सा पकड़ना शुरू कर दिया है, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वर्ड लिख पाते हो। अब पेशेंट को दोबारा से अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके से वापस लाना है कि मैं लिख पाऊँ, मैं साइन कर पाऊँ, तो पेशेंट को क्या करना है, उसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है। तो पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है, जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, उसका ट्रीटमेंट जब शुरू किया जाता है साईं संजीवनी में, मेडिसिंस के साथ उसको गाइड किया जाता है, आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो मदद करे आपके ब्रेन को दोबारा से सिखाने में जो काम वो करना भूल चुका है। अब मान लीजिए किसी के राइट साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हुआ है, उसका हाथ फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब हाथ में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है कि थोड़ा बहुत तो वो ऊपर उठा पा रहा है, हाथ की मुट्ठी थोड़ी थोड़ी खोल पा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उठा नहीं पाता है। अब मान लो अगर किसी पेशेंट के हाथ में यहाँ तक की मूवमेंट आ गई है, हेड तक वो रेस कर पाता है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट की हेल्प करते हुए, थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए, एल्बो को सपोर्ट करते हुए हाथ यहाँ तक लेके जाना है। अब पेशेंट के हाथ में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट है, ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करते हुए उसके हाथ की मूवमेंट इस तरीके से करवाओगे। अब ये किस तरीके से करवाना है उसको समझ लीजिए। पेशेंट को आपने क्या बोलना है, अपने फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा उसके ऑयल दे दिया और उसको बोलना है आप सिर पे तेल लगाइए, जैसे मालिश करते थे। कहीं ना कहीं वो मेमोरी पेशेंट के ब्रेन के अंदर होती है कि मैं सिर पे मालिश किस तरीके से करता था। तो आपने पेशेंट को यहाँ से एल्बो से थोड़ा सा सपोर्ट किया, हाथ वो ऊपर ले गया, थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करवाना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से। अगर पेशेंट इतना कैपेबल है कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेता है तो वो खुद से हाथ ले जाके मूवमेंट कर पाएगा। अगर पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अकड़न है, हैंड रेज लेवल हेड तक तो जा रहा है लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपने जस्ट एल्बो से सपोर्ट करना है। आपने पुश देते हुए आपने कोई जोर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा सपोर्ट दिया जाएगा। यही फ़र्क होता है एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेज में।
आज आपको समझाऊंगी एक्टिव एक्सरसाइजेस क्या होती है और पैसिव क्या होती है। इसकी नॉलेज अगर आप गेन कर लेते हो तो आप जो गलतियां करते हो वो ना करते हुए अपने पेशेंट को बहुत तेज़ी से रिकवर करवा सकते हो। एक्टिव एक्सरसाइजेस होती है जिसके अंदर पेशेंट अपना एफर्ट खुद से लगा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप पेशेंट से एक्सरसाइज करवा रहे हो, जस्ट आप सपोर्ट दोगे बट हाथ से पुश वो खुद करेगा। अब अगर किसी पेशेंट की एल्बो में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, आप थोड़ी सी एल्बो पे सपोर्ट दोगे और उसको बोलोगे आप पुश करने की कोशिश करो इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर थोड़ा भी वहाँ पे सब मूवमेंट होगा तो आपके जस्ट सपोर्ट देने से वो पुश देना शुरू करेगा। अब जब वो पुश देना स्टार्ट करेगा तो ब्रेन सीखेगा दोबारा कि मैं किस तरीके से मूवमेंट करता था, और वो मेमोरी एक वापस आनी शुरू होती है ब्रेन के अंदर जो कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, और पेशेंट के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम गलती क्या करते हैं, जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करवाने आता है, पेशेंट की एक्सरसाइज इस तरीके से करवाई जाती है, एल्बो की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, बंद करवा लिया, खोल दिया, शोल्डर ऊपर उठाया, नीचे लेके आए। बट इस कंडीशन के अंदर दिक्कत क्या होती है, पेशेंट का खुद का एफर्ट कुछ नहीं लग रहा होता है, जो एक्सरसाइज करवा रहा होता है खुद से उसकी ही एक्सरसाइज हो रही होती है, क्योंकि उसके मसल्स पे सारा जोर आ रहा होता है क्योंकि पेशेंट खुद से एफर्ट नहीं लगवा रहा होता है। पेशेंट लेटा रहता है, लेग की एक्सरसाइज करवा दी जाती है, हाथ की एक्सरसाइज करवा दी जाती है, और इसी कंडीशन में पेशेंट के अंदर कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। तो आज मेरी यही रिक्वेस्ट है हर एक पैरालिसिस पेशेंट से, उनके फैमिली मेम्बर्स से और उनके केयर टेकर से, कि आप जो एक्सरसाइजेज उनको करवा रहे हो दैट शुड बी एक्टिव एक्सरसाइजेज, जिसमें पेशेंट का कुछ ना कुछ एफर्ट लग रहा हो, क्योंकि यही ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं जो मदद करती है पेशेंट को रिकवर करवाने में। जब तक वो खुद से एफर्ट नहीं लगाएगा ब्रेन सीखेगा नहीं, क्योंकि हमें ब्रेन को सिखाना है, नुकसान ब्रेन के अंदर है, दोबारा से सिखाना भी ब्रेन को ही है ताकि मूवमेंट वापस आ सके। मसल्स को ऐसे मूव करने से कभी भी पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, बल्कि स्टिफनेस और बढ़ती चली जाती है। अब मान लो किसी के राइट साइड ऑफ द बॉडी में ही पैरालिसिस है, मान लो उसका हाथ नहीं काम कर रहा है, अब उसकी फिंगर्स ओपन हो रही है लेकिन पेशेंट यहीं तक हाथ उठा पाता है, चेस्ट तक लेके जा पाता है, तो आपने क्या बोलना है उसको, दूसरा हाथ ऐसे फंसाते हुए उसको बोलना है आप रेज करने की कोशिश करोगे, खुद से अपने लेफ्ट हैंड का एफर्ट लगाते हुए उसको ऊपर लेके जाओगे। अगर पेशेंट इतना कैपेबल नहीं है कि कर पा रहा है, आपने जस्ट हल्का सा सपोर्ट देना है, आपने जोर नहीं लगाना है। इनिशियली जब पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन होता है तो पैसिव एक्सरसाइजेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद कर देती है ताकि मसल्स में स्टिफनेस ना आए। बट जब एक पेशेंट में थोड़ी सी भी मूवमेंट आ जाती है, हल्का हल्का चलना स्टार्ट कर रहा है, उठ के बैठ रहा है, हाथ में हल्की सी मूवमेंट आ रही है, तो फोकस हमारा जो रहना चाहिए वो एक्टिव एक्सरसाइजेस की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ब्रेन को दोबारा सिखाना है। और अगर ब्रेन दोबारा से सीखेगा, उसमें मेमोरी दोबारा से वापस आएगी, तो जब वो कंडक्शन भेजेगा तभी उस मसल के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट मुट्ठी तो बंद कर लेता है लेकिन खोल नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या करना है, अगर थोड़ी सी आपकी मुट्ठी खुल रही है तो आप दूसरे हाथ से सपोर्ट करते हो, उसे बोलोगे अपने राइट हैंड से थोड़ा सा पुश देने की कोशिश करना है, दम लगाने की कोशिश करना है। तो जब वो थोड़ा सा पुश लगाना स्टार्ट करेगा, ब्रेन उसको ग्रास्प करना शुरू करेगा, दोबारा से कोशिश करेगा स्टिमुलेशन देने की, क्योंकि मेडिसिन जब भी हम शुरू करते हैं वो यही मदद करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हुए आपके मसल्स की फंक्शनिंग को वापस लाती है। तो दोनों ही काम ज़रूरी हैं, आपके ब्रेन का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ मसल की मूवमेंट जो आपको करनी है वो एक्टिव एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है ताकि आपका ब्रेन दोबारा से सीख जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की जो डाइट होनी चाहिए वो बहुत हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हमें चाहिए होती है रिकवरी के लिए। जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, उसकी रिकवरी के लिए कुछ जो विटामिन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी डाइट के अंदर, जैसे कि आपका विटामिन B12 है, विटामिन डी है, प्रोटीन एनरिच डाइट, ये तीनों ही डाइट बहुत ज़्यादा मदद करती है पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में। अब आपकी बॉडी में जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है, ग्रोथ है, मसल मास है, वो हर एक चीज़ बनी है आपकी प्रोटीन से, तो आपकी डाइट के अंदर हमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत अच्छी चाहिए होती है ताकि आपके मसल्स में मूवमेंट दोबारा से वापस आ पाए। क्योंकि जब
किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, लंबे टाइम तक वो पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है और उसका हाथ पैर में कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत स्टिफनेस है, तो देखने को क्या मिलता है कि अगर हम खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं पेशेंट को, बॉयल्ड फूड दे रहे हैं, सिर्फ हल्का खाना ही दिए जा रहे हैं, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, उसके मसल्स के अंदर अट्रॉफी होने लग जाती है, मांसपेशियां बिल्कुल पतली पड़ जाती हैं, सूखने लगती हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर, उन मसल्स के अंदर अब कोई मूवमेंट हो नहीं रही है, कोई भी जब वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, नरिशमेंट भी पूरा नहीं जा रहा है, तो वो मांसपेशियां सूखने लगती हैं। अब ऐसी कंडीशन तक पेशेंट को हमें नहीं जाने देना है, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ब्रेन को तो हम स्टिमुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मसल्स हमारी सूख चुकी हैं तो उनकी एक्टिविटी दोबारा से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने पेशेंट को शुरुआत से ही, जब तक वो बेड रिडन है, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको लाइट प्रोटीन दो, जैसे मूंग की दाल है, एग वाइट है, मिल्क है, लाइट प्रोटीन जो बॉडी आराम से इजीली अब्जॉर्ब भी करे और पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना आए। वंस द पेशेंट इज़ टोटली फाइन, वो थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर रहा है और एक्टिविटी में आ गया है, तो उसको हाई प्रोटीन डाइट आपने देना है। अब जिस कारण से उसको पैरालिसिस हुआ था, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, इन सारी चीज़ों का आपको डाइट में ध्यान रखना है। अगर पेशेंट को हेमरेज हुआ है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, तो उसकी डाइट के अंदर सॉल्ट का इंटेक हमेशा कम ही रहेगा, लाइटर साइड रहेगा, और उसका ब्लड प्रेशर आपने रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि ये जो बीमारी है एक बार होने के बाद भी ये बार बार हो जाती है। एक बार पेशेंट को आपने रिकवर करवा लिया अपनी मेहनत से, एफर्ट से, लेकिन अगर लापरवाही हमने की कारण को हटाने में, जिस कारण से पैरालिसिस हुआ था, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी एक बार तो आ जाती है, लेकिन दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कंडीशन ना तैयार हो, इसलिए इनिशियली ही हमें हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है। अब कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है, तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करवाना है, जैसे आपका आलू है, चावल है, चीनी है, जितने भी आपकी मीठी आइटम्स हैं वो कम्प्लीटली आपको बंद रखनी है। बट हाई प्रोटीन डाइट पे अगर आप पेशेंट को रखते हो, तो उसका मसल मास अच्छा बना रहेगा, मांसपेशियों में कोई अट्रॉफी नहीं आएगी और पेशेंट दोबारा से अपने फंक्शनिंग वापस ले पाएगा। तो डाइट के अंदर हाई प्रोटीन देना है। हाई प्रोटीन के अंदर क्या आता है, आपकी जितनी भी पल्सेस है, मिल्क है, एग्स है, मीट है, मीट में भी आपको सिर्फ वाइट मीट अलाउड होता है, जैसे कि फिश है, चिकन है, रेड मीट नहीं देना है, मटन नहीं देना है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ता चले जाता है। तो हमें इस टाइप का फूड चूज़ करना है जो पेशेंट की रिकवरी में मदद करे और आगे चल के और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना दे। अब जो पेशेंट वेजिटेरियन है, वो अपनी डाइट में मिल्क है, पल्सेस है, उसकी अच्छे अमाउंट ले सकते हैं, मशरूम्स है, विटामिन डी एनरिच्ड होता है, तो वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, क्योंकि आपकी बोन्स में अगर कोई पेन हो रहा है विटामिन डी लो होने की वजह से, तो वो उसको पूरा करता चले जाएगा। तो मिल्क, डबल टोन मिल्क विदाउट क्रीम, या गाय का दूध अगर अवेलेबल है तो आप वो दे सकते हो, बट मलाई उतार के। और साथ के साथ जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, वो फिश ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, और चिकन सूप बना के भी आप दे सकते हो उन्हें। आपने फ्राइड फॉर्म में कोई फूड नहीं देना है। अगर फिश और चिकन भी दे रहे हो तो ग्रिल करके दोगे, फ्राई नहीं करोगे। आपको क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की बॉडी में कोई भी ऐसे फैक्टर्स जनरेट ना हो कि दोबारा उनको स्ट्रोक होने के चांसेस बने। तो हमें रीज़न को हटाते हुए ऐसी डाइट देनी है, हेल्दी डाइट देनी है, जो रिकवरी में मदद भी करे। अब जैसा हम सभी ने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, जो भी मैंने आपको अभी टिप्स बताई हैं, उन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, लगातार एफर्ट लगाते रहना है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेके, अपनी बीमारी को लेके, तो प्लीज़ हमारे डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि ये बीमारी जितनी ख़तरनाक नज़र आती है, लाइलाज नज़र आती है, इस बीमारी के अंदर भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये होप हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के मन में होनी चाहिए। और अगर आप कहीं भी डिप्रेसिव फील कर रहे हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ आप हमसे बात कीजिए,
हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको पूरा गाइड करेंगे, आपके कंडीशन के बारे में समझाएंगे, क्योंकि इस बीमारी के अंदर बहुत ड्रास्टिक अच्छी रिकवरी शो होती है अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो। चाहे आपका पैरालिसिस बिल्कुल अभी फ्रेश हुआ है या बहुत साल बीत भी क्यों ना गए हों, हर एक पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। बस कमी कहाँ रह जाती है, हमारे एफर्ट के अंदर, हमारे मोटिवेशन के अंदर, हमारे होप के अंदर। क्योंकि हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं कुछ समय बीत जाने के बाद, तो वो आपने काम नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ खड़ा है साईं संजीवनी। साईं संजीवनी में हर साल बहुत से पेशेंट आते हैं जो बहुत अच्छी रिकवरी शो कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होगी हमारे पेशेंट्स की, तो उनको देख के आपको उम्मीद जगानी है कि हम भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि चाहे न्यू केस हो चाहे पुराना, बहुत साल बीत भी गए हो, हर किसी में रिकवरी आने का कंप्लीट स्कोप होता है। बस ध्यान क्या रखना है, आपको जो गाइडलाइंस दी जाती है रिगार्डिंग योर डाइट, आपकी डेली एक्सरसाइजेस का जो रेजिमेन है, जो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, वो आपको कम्प्लीटली फॉलो करनी होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो पेशेंट के अंदर बहुत अच्छे से रिकवरी आती चली जाती है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं अपनी कंडीशन को लेके, अपनी डाइट को लेके, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। आप पेशेंट की प्रेजेंट वीडियो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। पेशेंट की कितनी मूवमेंट है, कितना वो चल पाता है, हाथ में क्या कितना मूवमेंट है, बोल पाता है नहीं बोल पाता है, उससे मदद क्या मिलेगी हमें जज करने में कि पेशेंट की अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स बेस्ट टू बेस्ट जो ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा वो आपको देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी उम्मीद को बिल्कुल खोने नहीं देना है, क्योंकि साईं संजीवनी की पूरी टीम है आपके साथ, आपको इस बीमारी से रिकवर करवाने में, और वो बिल्कुल करवा के ही रहेगी। तो ये आपने एक मोटिवेशन अपने माइंड में रखनी है, कभी भी होप छोड़नी नहीं है। जहाँ भी आपको लगे मैं उम्मीद अब मेरी कम हो रही है, मैं होप नहीं रख पा रहा हूँ, या मैं अब आगे रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपने नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके हमसे बात करनी है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने में, अपने हर एक छोटे छोटे काम करने में, वापस आपको एक नॉर्मल लाइफ में वापस लाने में। तो आपने बस छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं लेके आऊँगी और भी ऐसी बहुत हेल्पफुल टिप्स जो मदद करेंगे आपको इस बीमारी से बाहर निकलने में, दोबारा से रिकवर होने में और इंडिपेंडेंट होने में। आपको बस अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर।